हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी थॉर 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि ये मूवी रिलीज होने वाली है फरवरी 2022 में। इसका जो ऑफिशियली टाइटल है वो है लव एंड थंडर। अब इसके जो डायरेक्टर है टाके वाइटिटी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया बीबीसी चैनल में। उन्होंने रिवील्ड करी एक चीज कि मैंने इसकी स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया है और देन ये मूवी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ब्लॉकबस्टर कहने का मतलब ये है कि थॉर सीरीज में ये अब तक की सबसे सुपरहिट मूवी बन जाएगी इन फ्यूचर। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो खुद दैट डायरेक्टर है और वो जानते हैं कि थॉर कितना काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है। और तो और उन्होंने एक और चीज़ रिवील्ड करी कि जेन फोस्टर का जो कैरेक्टर था, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको देखने को मिला और पार्ट 3 में देखने को नहीं मिला, यानी कि रैगनारोक में, और देन इससे थॉर काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करने लग गया, यानी कि रोमांस नाम की तो कोई चीज़ नहीं मिली। अब टेके वाइटिटी ने इंटरव्यू में ये रिवील्ड करा कि जेन फोस्टर और थॉर का इस बार आपको भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा, और जो स्टोरी लाइन होने वाली वो सब मे बी आपको पता भी होगी कि जेन फोस्टर को एक्चुअल में कैंसर हो जाता है, जो कि स्टोरी लाइन है थॉर 4 की, और देन जेन फोस्टर को बचाने के लिए वो एज अ एक फीमेल थॉर बन जाती है। अब ये कैसे बनती है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है कि जेन फोस्टर फीमेल थॉर कैसे बनती है, पर बनेगी वो बहुत ही कमाल का सीन होने वाला है। और तो और आपको बताया कि एवेंजर्स एंड गेम में वेलकरी और थॉर का एक किस सीन था, पर वो हटा दिया रूसो ब्रदर ने, क्योंकि वेलकरी को एज अ लेस्बियन दिखाना था इन फ्यूचर कैप्टन मार्वल के साथ। और कॉमिक बुक में बात करी जाए तो थॉर के पास लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, पर मूवी की बात करी जाए तो यहाँ पे टेके वाइटिटी ने सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मूवी, कॉमिक बुक, एवेंजर्स एंड गेम को, क्योंकि जो रूसो ब्रदर का डायरेक्शन था उसको भी गलत नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में काफ़ी सारा रोमांस डाला, जिसमें कि हमारे क्रिस हेम्सवर्थ बिग ऑन स्क्रीन जेन फोस्टर के कैरेक्टर के साथ रोमांस कर सकें, और देन यहाँ पे हमारा थॉर बिल्कुल भी सिंगल ना रहे, जैसा कि पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा इसके संग जाती हुई थी। तो गाइस, ये थे वो दो अपडेट। अब आप चाहते हो या नहीं कि थॉर ऑन स्क्रीन रोमांस करे जेन फोस्टर के साथ, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर थॉर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।